19वीं सदी की शुरुआत में एक महान इंसान ने चरखा कातना शुरू किया। भारत में एक नई सुबह हुई, एक राष्ट्र का जन्म हुआ। कपास के धागे को कातना भारत की आजादी की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। कपास भारत की कहानी का अभिन्न अंग बन गया। दुनिया में कपास की खेती का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में है, तकरीबन 90 लाख हेक्टेयर। मगर फिर भी कपास के उत्पादन में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। हर साल भारत में 30 लाख टन कपास लिंट का उत्पादन होता है। कपास भारतीय कपड़ा उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। ये कई लोगों के रोजगार का साधन है। भारत में कपास उत्पादन का औसत है 320 किलो प्रति हेक्टेयर, जो कि बहुत कम है। हमारे देश में कपास की खेती कई राज्यों में की जाती है। उत्तर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे अहम समस्याओं में से एक है बढ़ती हुई जनसंख्या। हम लोग 110 करोड़ हो चुके हैं। अगले 20 वर्षों में हम 150 करोड़ हो चुके होंगे। खेती के लिए जमीन कम होती जा रही है, जलवायु भी बदल रहा है, नतीजतन अक्सर सूखा पड़ने लगा है, बारिश का रुख भी बदल रहा है। तो उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कमाई कैसे बढ़ाई जाए, कृषि उद्योग में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, ये है हमारे भविष्य की चुनौतियां। पिछले कुछ दशकों से कपास की खेती में कई चुनौतियां सामने आई हैं। मौसम, सूखे, बीमारियों और कीड़ों से कपास के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है। कपास के पौधे पर अलग अलग समय पर तकरीबन 162 प्रजातियों के कीड़े हमला करते हैं। इनमें से 15 कीड़े अहम हैं। इनमें है जेसिट्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, स्पॉटेड बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म और अमेरिकन बोलवॉर्म। कई बीमारियां भी बहुत अहम हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्यूसेरियम विल्ट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ग्रे मिल्ड्यू और लीफ कर्ल वायरस। एक अनुमान के अनुसार इन कीड़ों और बीमारियों की वजह से 50-60% फसल का नुकसान होता है। अन्य देशों में भी नुकसान का यही अनुमान है। पहले तो बहुत दवाई छाटते थक गए हम, दवाई डालते थे तो भी तब कीड़ा ज्यादा हो जाता था, ऐसी भी पोजीशन आ गई थी। वो लीला और काबरा काला सरकाता है, वो जिंदवे जिंदवा खाते ज्यादा। दवाई का असर बिल्कुल नहीं हुआ था लास्ट में, तो हेलियोथिस मरती भी, कोई भी दवाई डालने से नहीं मरती थी। नुकसान करने वाले कीड़ों में सबसे अहम है बोलवॉर्म। इस समस्या के लिए किसानों को कई बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। ये दवाइयां महंगी तो होती ही है, लेकिन अब तो ये व्यर्थ भी होने लगी है। कई इलाकों में बोलवॉर्म पर कीटनाशकों का असर होना बंद हो गया है। भारत में हम लोग काफी कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और 50% कीटनाशक तो सिर्फ कपास के लिए ही हैं। ये काफी महंगे भी हैं। अगर कीटनाशकों का खर्चा कम हो जाए तो किसानों को काफी फायदा होगा। बोलवर्म के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा एक शक्तिशाली साथी प्रकृति में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस, यानी बीटी। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है, इससे एक प्रोटीन पैदा होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटीन कुछ कीड़ों के लिए जहरीला है। इस बीटी के करीब 40 जीन्स की खोज की जा चुकी है। ये विभिन्न जीन्स कुछ खास कीड़ों पर ही जहरीला असर करते हैं। जब ये जहरीला प्रोटीन बोलवर्म की आंतों में पहुंचता है तो वहां एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, उसके साथ मिलकर ये प्रोटीन अंतड़ियों में छेद कर देता है। इससे कीड़ा शक्तिहीन हो जाता है और मर जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि ये रिसेप्टर प्रोटीन सिर्फ लेपिडोप्टरा प्रजाति में ही होता है, इसलिए बीटी प्रोटीन सिर्फ इसी प्रजाति पर ही असर करता है। अन्य सभी जीव इससे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या मनुष्य हों। पारंपरिक तरीकों में भी इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता था, या तो दानेदार रूप में या तरल रूप में। कपास पर बोलवाम का आक्रमण रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दोनों ही रूप में ये कीटनाशक ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर बोलवाम इस बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आता था। अब इस समस्या से जूझते हुए वैज्ञानिकों को आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक शक्तिशाली उपाय मिला है। वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया से वो बीटी जीन निकाल लिया जिससे बीटी प्रोटीन पैदा होता है, और इस जीन को पौधे में डाल दिया है। अब इन पौधों में खुद को बोलवर्म जैसे कीड़ों से बचाने की क्षमता आ गई है, और भविष्य इसी में है। किसान का भविष्य कॉटन के साथ बीटी से जुड़ा हुआ है, और ये किसान का कपास से भविष्य यही है। सन 1993 में माहिको नामक एक बीज बनाने वाली कंपनी ने मॉन्सेंटो नामक एक अमेरिकन कंपनी के साथ हाथ मिलाया, जिसने बीटी टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण खोज की थी। अब ये बीटी जीन भारतीय कपास के हाइब्रिड में डाला गया। वी बोथ फेल्ट के जो है वो वी आर ऑफ एक की तरह की हमारी थिंकिंग है, और बेसिक बात यह है कि इसमें काश्तकार का लाभ अगर होता है तो ये बात कामयाब हो सकती है, और ये उन्होंने करके दिखाई है तो आगे जाना चाहिए। सन 1994 में माहिको को बीटी कपास के बीज आयात करने की मंजूरी मिल गई। उन्होंने इसकी उत्पादन की क्षमता के अध्ययन के साथ साथ बायोसेफ्टी, फूड सेफ्टी और पर्यावरण पर असर की जांच भी शुरू कर दी। सन 1994 में बीटी कपास के आयात के बाद भोजन और चारे की सेफ्टी जांच और पर्यावरण पर असर के अध्ययन का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। सरकार की विभिन्न मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी समितियों ने बीटी कपास के विकास के हर कदम का नियंत्रण किया। इन समितियों में शामिल हैं रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बीटी कपास की जांच करने वाली हर संस्थान की इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज, और राज्य तथा जिला स्तर की जांच एवं मूल्यांकन समितियां। क्योंकि बीटी कपास भारत में उगने वाली पहली बायोटेक्नोलॉजी फसल थी, इसलिए जांच और अनुमति के लिए एक कड़ी प्रणाली की जरूरत थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का नियंत्रण करने वाली सबसे अहम समिति है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या GEAC। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की समिति है। GEAC निर्देश देता है कि जांच कैसे की जानी चाहिए, जिसके बाद ही बीज बाजार में बेचे जा सकते हैं। अधिकतर ट्रांसजेनिक्स के लिए तीन मुख्य बायोसेफ्टी मुद्दे हैं: मनुष्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा, और तीसरा मुद्दा है सामाजिक और नैतिक प्रभाव। एलर्जेनिसिटी, टॉक्सिसिटी, पोलन फ्लो, एग्रोनॉमिक प्रभाव, इन सब के अध्ययन के लिए हमने जो निर्देश दिए थे, हमने देखा कि उन सब नियमों का कड़ा पालन किया गया है, और उसके बाद रेगुलेटर्स के संतुष्ट होने पर ही तीन हाइब्रिड्स को उगाने की इजाजत दी गई थी, और वो भी सिर्फ 3 वर्षों के लिए। 3 साल बाद इन पर पुनर्विचार करना था। भारत में एक सख्त प्रणाली विकसित की गई, क्योंकि ये पहली बीटी फसल थी और हम सबकी सुरक्षा की जांच करना चाहते थे। मिसाल के तौर पर बीटी कॉटन का मछली पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हमने मछली पर भी जांच की, पक्षियों पर, परभक्षियों पर, सॉइल माइक्रोफ्लोरा पर, बकरियों पर, विशाल जीवों पर भी जांच की। सरकार ने इसके लिए जो प्रणाली स्थापित की है वो बहुत कामयाब है, और मुझे लगता है कि पर्याप्त बायोसेफ्टी जांच की गई है। ये अध्ययन माहिको के सहयोग के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के तहत सरकारी प्रयोगशालाओं में किए गए थे। कपास के बीज का तेल भोजन पकाने में और उसका केक पालतू पशुओं के चारे के लिए काम आता है, इसलिए बीटी कपास की सुरक्षा जांच की गई। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी CICR
और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र यानी आईटीआरसी द्वारा 1998 से 2001 के दौरान की गई जांच ने ये साबित कर दिया कि बीटी कपास अन्य कपास की तरह ही सुरक्षित है। कई वर्षों की जांच के बाद आखिरकार सन 2002 में बीटी कपास को व्यापारिक कृषि के लिए अनुमति मिल गई और तब से बीटी कपास की फसलें काश्तकारों के खेतों में अपनी दास्तान बयान कर रही हैं। बीटी कपास की फसल में हर समय बीटी प्रोटीन पैदा होता रहता है, इसलिए एक चिंता ये भी थी कि कहीं बॉलवर्म पर बीटी प्रोटीन का असर ही खत्म न हो जाए। इस कीड़े में प्रतिरोध शक्ति न विकसित हो, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने थे। सरकारी निर्देश के अनुसार बीटी कपास के खेत के चारों ओर गैर बीटी कपास के पौधे उगाने जरूरी है, इसे रेफ्यूज कहते हैं। इस रेफ्यूज में गैर बीटी कपास की वही वैरायटी उगानी जरूरी है। कम से कम 5 कतारें या खेत का 20% क्षेत्रफल, जो भी ज्यादा हो, इस गैर बीटी कपास का होना चाहिए। इस रेफ्यूज से बोलवॉर्म कीड़े में प्रतिरोध शक्ति विकसित होने की संभावना कम होती है। कंपनी के लोग बीटी बीज के साथ गैर बीटी बीज भी देते हैं। उसकी 5 कतारें खेत के चारों ओर लगानी होती है। इसका कारण है बोलवॉर्म में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध शक्ति न पैदा हो। इन कतारों पर दवाई का छिड़काव करना होता है। बोलने के बाद में भी लगाते नहीं, उसमें सब कीड़े खा लेते और उसकी वजह से लगाते नहीं, वो बीज वेस्टेज ज्यादा। पिछले 3 वर्षों के अध्ययन से साफ पता चलता है कि आज तक प्रतिरोध शक्ति यानी रेजिस्टेंस विकसित नहीं हुई है। जो ऐसा कहते हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। बीटी फसल अमेरिका और चीन में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इन देशों से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि बड़े पैमाने पर कीड़ों में प्रतिरोध शक्ति विकसित हुई हो। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिरोध शक्ति यानी रेजिस्टेंस विकसित होगी जरूर, लेकिन असली सवाल है कि कब। इसलिए प्रतिरोध शक्ति को विकसित होने से रोकने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जा रही हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता है बीटी कपास के बीज के महंगे दाम। आमतौर पर गैर बीटी कपास बीज की कीमत है 300 से 400 रुपए, लेकिन बीटी कपास बीज अभी 1600 से 1800 रुपए का है। किसानों को ये बहुत महंगा लगता है और भारत जैसे देश में गरीब किसान मुश्किल से इतना पैसा जुटा पाता है। इस बीज का दाम बहुत ज्यादा है, ये हमारी पहुंच से बाहर है, आम आदमी इसे नहीं खरीद सकता। नतीजतन एक और गंभीर मुद्दा सामने आया, नकली और गैर कानूनी बीज की बिक्री होने लगी, जो कि बढ़ती जा रही है क्योंकि ये सस्ते दामों पर बिकते हैं। जब हम किसानों से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि वो इतने महंगे बीज नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो कम दामों पर अवैध बीज खरीदते हैं। हमें इनकी गुणवत्ता के बारे में नहीं पता, ना ही हम ये जानते हैं कि इनकी उपज कैसी होगी। हम कोशिश करते हैं कि ये मोनोपोली खत्म हो जाए। हमारे देश में कई बीटी जीन्स आने वाले हैं और इनके आने से व्यापार में भी स्पर्धा होगी। स्पर्धा के अलावा इन जीन से हमें रेजिस्टेंस रोकने में भी मदद मिलेगी। ये अवैध बीज सस्ते जरूर हैं, लेकिन इनके साथ कई समस्याएं जुड़ी हैं। इनकी उपज उम्मीद के अनुसार नहीं होती, हो सकता है कि कीड़ों से सुरक्षा भी पूरी न मिले। सबसे अहम बात ये कि इन बीजों का जरूरी बायोसेफ्टी अध्ययन नहीं हुआ होता, इससे पर्यावरण, कृषि और किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी भागीदारों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। इन अवैध बीजों के प्रति एक और चिंता है, इन किसानों को इस बीज से जुड़ा तकनीकी सहयोग भी नहीं मिलता। इस खेत में सरकार का मान्यता प्राप्त बीज है और ये अवैध बीज की फसल है। इस अवैध बीज की फसल का कद छोटा है। मेरा गांव में थोड़ा 2-3 आदमी इलीगल वेराइटीज डाला था सर, जो अभी हमारा खेत में इसको उसको डिफरेंस देखा था। इसको कंपलसरी यील्ड में ये 12 क्विंटल आया तो वो 7-8 क्विंटल आता। अभी किसानों सोच रहा ये हम ये वैरायटी को क्यों गया। कीटनाशकों का उपयोग देखें तो वो तकरीबन 40 से 60% तक कम हुआ है, कहीं कहीं पर सिर्फ 1, और अगर बोलवर्म की आबादी ज्यादा हो
तो दो छिड़काव की जरूरत होती है। कहीं कहीं पर तो बोलवर्म के लिए छिड़काव की जरूरत ही नहीं होती, हमें सिर्फ जैसिड्स के लिए छिड़काव करना होता है, वरना वो कपास का रस चूस कर उपज कम कर देते हैं, चाहे बीटी हो तो भी। छिड़काव करना बहुत जरूरी है क्योंकि बोलवर्म के अलावा कई चूसने वाले कीड़े भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है किसान को समझाना कि बीटी सब कीड़ों, बीमारियों और वायरस का इलाज नहीं है। सभी भागीदार दवाई के छिड़काव और रेफ्यूज जैसे मसलों के प्रति जागरूक हैं। वो किसानों को समझाते हैं कि बीटी कपास की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए। उसको पूरी जानकारी हम देते हैं कि आपको पहले रिफ्यूज ही लगाना है, और कंपनी की तरफ से पैम्पलेट भी हमको मिलते हैं, तो पैम्पलेट की द्वारा हम उसको फार्मर को समझाते हैं, और वो क्वेश्चन पूछता है हमको कि क्यों जरूरी है, तो उसका जवाब भी हम देते हैं कि इसीलिए जरूरी है। वो बीज का महंगा दाम आखिरकार महंगा साबित नहीं होता, क्योंकि कीटनाशकों का खर्चा बचता है और कीड़ों से बचने के कारण उपज भी बढ़ती है। मेरे खेतों में तो 1,00,000 रुपए की दवाइयां लग जाती थी, अब मैंने 40,000 रुपए का बीटी बीज उगाया है लेकिन अभी तक एक भी छिड़काव नहीं किया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट व्हाट वी फाउंड, हमारे अध्ययन में हमने देखा कि अगर हम उपज की बात करें तो सन 2001-2002 में उगाए गए 3 हाइब्रिड बीजों में तकरीबन 25-60% उपज की बढ़ोतरी हुई है, और छिड़काव के मुद्दे को देखा जाए तो हमने 2 से 5 छिड़कावों की बचत की। ये सब बीटी टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। तो अगर आप तीनों हाइब्रिड में मुनाफा देखें तो 7,000 से 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुनाफा हुआ। सन 2002 में जब से बीटी कपास उगाना शुरू किया गया तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सन 2004 में लगभग 3,00,000 किसानों ने 5,00,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बीटी कपास उगाया है। सन 2003 से 2004 तक बीटी कपास का क्षेत्रफल 5 गुना बढ़ा है। बीटी कॉटन क्वालिटी जिन्नर के लिए भी अच्छा और किसानों के लिए भी अच्छा, उसका यील्ड भी अच्छा 10-20% ज्यादा आता है। बीटी कॉटन का केक भी अच्छे दाम से बिकता है, ऑयल परसेंटेज भी हमको 10% अच्छा उतर आता है। अंततः टेक्नोलॉजी की अंतिम जांच तो किसान के हाथों में होती है। एक पुरानी कहावत है कि किसानों को सिर्फ एक बार ही बहकाया जा सकता है। वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजी विकसित करने वालों, सरकारी रेगुलेटर्स, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और एक्सटेंशन ऑफिसर्स को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर किसानों को सभी जानकारी देनी चाहिए, न सिर्फ बीटी कपास के बारे में बल्कि अन्य टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, ताकि वो समझदारी से फैसला कर सकें। आम लोगों से भी हम पूछते रहते हैं साथ में, वो मेरे से पूछते भी रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे को नॉलेज है, तो सभी इससे खुश हैं कि तो इसको पानी की कमी नहीं महसूस होती और स्प्रेयां भी बहुत कम करनी पड़ी हैं इसको, और बिल का जो पैसे की बचत होती है। व्हाट वी शुड डू इज रिस्पेक्ट, हमें अन्य विचारों का आदर करना चाहिए। अगर उनका तर्क सही है, अगर उस चिंता का कोई वैज्ञानिक आधार है तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। अगर हम उन तमाम सबूतों को देखें जो कि पिछले 10 वर्षों में 20 देशों से 6 महाद्वीपों से हमें मिले हैं, और ये विभिन्न गुणों वाली कई फसलों के रिकॉर्ड हैं, तो एक बात साफ है, ये सारा डेटा इस टेक्नोलॉजी का समर्थन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये असफल है, कुछ लोग कहते हैं ये सफल है, आखिर में फैसला किसानों के हाथों में है। आप किसानों को 1 साल धोखा दे सकते हैं लेकिन अगले साल नहीं। अगर किसानों ने इसे अपना लिया है तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। बीटी से जो उत्पादन बढ़ा है मैं उससे बहुत खुश हूँ। अगर मुझे इससे फायदा होगा तो हम सभी इसे लगाएंगे और लोगों को भी यही लगाने की सलाह देंगे। प्रोडक्शन अच्छी है, स्प्रे भी कम होती है, कमर्शियल लॉस भी बिल्कुल कम है, इस एक ज्यादा रेट बहुत ज्यादा, आगे भी बीटी को ही जाता सब। भारत में बीटी कपास की कहानी का अभी ये पहला अध्याय है, लेकिन एक शुरुआत की जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने इस कहानी पर कड़ी नजर रखी हुई है।
सरकारी संस्थान भी बीटी कपास और अन्य बायोटेक्नोलॉजी फसलों की वैरायटीज तैयार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब कोशिशों का लाभ किसानों के खेतों तक कब पहुंचेगा, ये तो समय ही बताएगा।